हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर डिम्पी एंड वेलकम टू केडी फिजियो चैनल। आज के सेशन में हम शियाटिका की एक्सरसाइजेस करेंगे। इससे पहले हमने बैक के ऊपर दो वीडियोस बनाए हैं, पहला जिनको जनरली लो बैक पेन स्टिफनेस सी रहती है उसकी एक्सरसाइजेस, और दूसरे वीडियो में हमने शियाटिका के बारे में जाना था। तो अगर आपने मेरे दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखें, और अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आज हम शियाटिका की पांच एक्सरसाइजेस करेंगे, जो कि जिस सीक्वेंस से वीडियो में दिखाई गई है उसी सीक्वेंस से आपको करनी है। और ये एक्सरसाइजेस दो तरह से हेल्प करेगी। एक तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि शियाटिका में डिस्क जो है बल्ज आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, उसको सेट करेगी। उसके अलावा कुछ हम स्ट्रेचेस करेंगे जिसकी वजह से जो शियाटिक नर्व कंप्रेस हुई है वो रिलीज होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर वन, पेल्विक टिल्ट। इस एक्सरसाइज का सीधा सर हमारी लो बैक पे, जहाँ पे डिस्क बल्जिंग का जो पोर्शन है उस पे पड़ेगा। इसमें हमें सीधे लेटना है। आप एक्सरसाइज अपने बेड पे भी कर सकते हैं। दोनों पैर फोल्ड रहने चाहिए, पेट को अंदर खींचना है, जो हिप वाला एरिया है उसको टाइट करना है, स्क्वीज करके रखना है, और हल्का सा हिप उठाना है। हमारी बैक नहीं उठनी चाहिए, सिर्फ जो पेल्विक एरिया होता है, जो हिप पोर्शन है, उसका इस तरह से एक रोल होगा। तो स्टमक इन, हिप टाइट, और इस तरह से सिर्फ एक हल्का सा हिप उठाना है। बैक में आप देख सकते हैं यहाँ पर हाथ लगा के कि बैक नहीं उठ रही है, कोई गैप नहीं आना चाहिए। अब इसको आप होल्ड करके रखेंगे 8 to 10 seconds। सो स्टमक इन, हिप टाइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और धीरे धीरे रिलैक्स। अब इस एक्सरसाइज में जो खास बात है, जो लॉक है, लॉक का मतलब जो हमने पेट को अंदर किया, हिप को टाइट किया, इसको इस एक्सरसाइज के दौरान मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पेट अंदर और हिप टाइट नहीं करके एक्सरसाइज करेंगे तो इसका मतलब नहीं होगा, इसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए इस लॉक को मेंटेन करके ये एक्सरसाइज 5 to 6 times करनी है। एक्सरसाइज नंबर 2, हमारी हिप मसल, हिप की जो मसल्स होती है उसका स्ट्रेच, जो कि बहुत ज़रूरी है शियाटिका के लोगों के लिए। इसमें अगेन सीधा लेटना है, दोनों पैर फोल्ड होने चाहिए। ये नी टू चेस्ट एक्सरसाइज इसे हम कहते हैं, क्योंकि इसमें सिंपल सा हमें ये वाला ग्रिप बनाना है और नी वाले पोर्शन को चेस्ट की तरफ लेके आना है, जितना आप अच्छा खींच सकते हैं, स्ट्रेच दे सकते हैं। दूसरा पैर फोल्ड ही रहना चाहिए, सीधा रख के नहीं करिएगा। फिर हमें, क्योंकि ये स्ट्रेच है तो 6 seconds तक होल्ड करना इनफ होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और रिलैक्स। सेम विद द अदर लेग, एक एक करके दोनों पैरों से करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन रिलैक्स। एक एक करके इस तरह से हमें 5 times इस पैर से और 5 times इस पैर से। अगर किन लोगों की नी में पेन रहता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, तो जब वो करते हैं तो उनकी नी पे जोर आता है तो पेन ज़्यादा बढ़ता है, तो उन लोगों के लिए सिंपल आप अपनी ग्रिप जो है चेंज करके थाई से ले सकते हैं, और सेम एक्सरसाइज आप ये इस तरह से ग्रिप करके करेंगे तो नी में पेन नहीं रहेगा, एंड देन रिलैक्स। थर्ड स्ट्रेच हमारी होती है पायरीफॉर्मिस की स्ट्रेच। पायरीफॉर्मिस एक हिप की मसल होती है जो कि शियाटिका के लोगों में अक्सर टाइट पाई जाती है। जब हम बैठ के उठते हैं तो हम कंप्लेन करते हैं कि हमें हिप में पेन हो रहा है, जो कि नीचे तक पैरों तक रेडिएट करता है, तो उसकी स्ट्रेच बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें दोनों पैर फोल्ड करने चाहिए। इस पैर को मैंने इस पर क्रॉस किया, अब इस तरह से ग्रिप बना के मुझे ऑपोजिट साइड इसको लेके जाना है, ऑब्लिक उल्टा तरफ। तो मैंने जितना आप खींच सकते हैं इसको स्ट्रेच करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे 6 seconds तक। यहाँ पर आपको इसमें एक स्ट्रेच फील होगा। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और धीरे धीरे रिलैक्स। इस तरह से 5 times इस पैर से करना है और 5 times हमें इस पैर से करना है। अब इसको इधर की तरफ लेके आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन रिलैक्स। अब इसी मसल का एक और स्ट्रेच आता है जो कि थोड़ा मॉडिफाइड स्ट्रेच है,
इसमें दोन इस तरह से मुझे इसको इस पे क्रॉस करना है। अब मुझे इस वाली मसल का स्ट्रेच चाहिए, तो इस वाले पैर को मैं एक हाथ मैंने इस तरह से अंदर से लिया है, दूसरा हाथ मैंने बाहर से, और नी टू चेस्ट करना है इसको। इस वाले को हमें अपनी चेस्ट की तरफ लाने की कोशिश करनी है। तो जब मैं ये कर रही हूँ तो मुझे इस वाले पैर का जो हिप मसल होता है पायरिफॉर्मिस में, एक अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा है। होल्ड करके रखेंगे 6 सेकेंड्स तक और धीरे धीरे रिलैक्स। सेम जब हमें इस पैर से करना है तो ये वाला क्रॉस करके और अपनी तरफ जितना आप लेके आ सकते हैं, एंड देन रिलैक्स। तो ये दोनों स्ट्रेचेस हैं आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से, जो आपको इजी लगे, जिसमें आपको स्ट्रेच फील हो, आप वो कर सकते हैं। कई लोग मॉडिफाइड स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं, तो शुरू में सिंपल स्ट्रेच करके जब धीरे धीरे अडाप्ट हो जाए तब वो कर सकते हैं। तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्ट जोन। एक्सरसाइज नंबर 4, जो कि हमारी हैम्स और काफ का एक स्ट्रेच होगा, उसमें अगेन दोनों पैर फोल्ड रहने चाहिए। धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाना है, जितना आप उठा सकते हैं। अगर आपकी रेंज कम आ रही है तो कम उठाएं, धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। एंकल जो है पंजा, उसको आपकी तरफ खींचना है जितना आप खींच सकते हैं। तो इसमें आपको एक पूरा स्ट्रेच यहाँ पर एक फील होगा। दोनों हाथों को थाइस पे रखना है जस्ट फॉर द एक सपोर्ट के हिसाब से। होल्ड करके रखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर मोड़ते हुए ही धीरे धीरे रखना है। हमें कई लोग क्या करते हैं, स्ट्रेच के बाद सीधा रख लेते हैं, वैसे नहीं, फोल्ड होते हुए ही ऊपर उठाएं। एक्सरसाइज जब हो जाती है तो उसको फोल्ड करके ही रखें। तो इस तरह से अल्टरनेटिवली एक पैर से फिर दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन रिलैक्स। तो इस तरह से एक एक करके 5 बार इस पैर से और 5 बार इस पैर से। लास्ट एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज नंबर 5, जो कि काफ मसल्स का स्ट्रेच है, जो हमारी पिंडलियाँ होती है, शियाटिका के लोगों में वो अक्सर टाइट होती हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, आप जब भी सीधे लेटे रहो दोनों पंजों को, दोनों एंकल को अपनी तरफ खींचना है, जितना आप खींच के रख सको, और घुटना जो है नीज वो नहीं उठना चाहिए। तो बस इस तरह से हमें खींच के रखना है, होल्ड करके रखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन ढीला छोड़ दें। तो इस तरह से ये 5 से 6 बार करनी है। तो ये थी शियाटिका की एक्सरसाइजेस, जो कि दिन में 2 से 3 बार आपको करनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको शियाटिका है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि मैं हमें नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो वीडियोस के लेके तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और यू कैन ईमेल मी एज वेल। And thank you for watching the video. Keep watching.